हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे बेटा, जो भी एम जे पी आर यू रोहलखंड यूनिवर्सिटी सी बरेली से है, एम जे पी आर यू रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, तो आपको सभी को पता है हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, जस्ट मोमेंट रुकेंगे, ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, एक सेकेंड बस रुकेंगे हम लोग। अब बेटा देखेंगे हम इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे हम सभी लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। ध्यान से देखो सभी लोग, 2022 के इंपॉर्टेंट एग्जाम है बहुत ज्यादा। देखो कैसे कैसे, ये है बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वालों के लिए, फर्स्ट ईयर के है छात्र, फर्स्ट सेमेस्टर में उनके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका पेपर का नाम हो जाएगा। 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2022 में आने वाले कौन से, 2022 में आने वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं बेटा। इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। अब देखो, आप अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे टिक लगा लो, उस पर टिक लगा लो, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या लगाएंगे, और मैं आपको बता दूं 2022 में 85% मतलब यहां से 85% देखने को मिलेगा। और हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे बेटा, एमजेपीआरयू में एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आएंगे, कितने, चार पांच क्वेश्चन बहुविकल्पीय आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे या फिर आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है, नोट्स दे देंगे, आप चिंता मत करो, नोट्स दे देंगे, आप उस नोट से पढ़ लेना, बस उतने क्वेश्चन पढ़ के आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे वहीं से। अब यहाँ पे वो टिक लगा लो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में 2022 के जो जनवरी फरवरी में आपको पेपर होने वाला है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज उसमें आ रहा है। देखो पहला क्वेश्चन आए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात की जा रही है, पेपर का नाम कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सब। तो यहां बोला गया कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, टाइप कितने होते हैं कंप्यूटर के, और कंप्यूटर के घटक कौन कौन से हैं, उन घटकों को याद कर लेना, उनकी परिभाषाएं, उनकी भाषा कौन कौन सी होती है, मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, जावा लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज होती है वो देखने, सीमाएं क्या है, उनकी उनकी क्या विशेषताएं क्या होती है कंप्यूटर की, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू ये तो सभी को याद होगा, सीपीयू क्या होता है उनकी, और साथ ही साथ मेमोरी क्या है, मेमोरी मेमोरी क्या होती है वो देखेंगे। व्यवसाय में कंप्यूटर का अनुपयोग, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसने कंप्यूटर का अनुपयोग के बारे में बताना है, क्या अनुपयोग हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर, हार्डवेयर तो सभी जानते हो, हार्डवेयर के प्रकार कितने होते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर भी पूछ लेता है, वो टिक लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है, इसे डीओएस कहते हैं, डीओएस पूछेगा कि डीओएस क्या है, उसके कार बताओ, आपसे सिंपली पूछेगा डीओएस क्या है, कार बताओ, तो इसका मतलब है डिस्क ऑपरेटर सिस्टम बोलते हैं इसको फुल फॉर्म। ठीक है, उसका कार क्या होता है, और विंडो, विंडो 10, विंडो 7, विंडो XP वगैरह होती है, उन विंडो के बारे में बताना है, विंडोज क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां बोला गया है संख्या प्रणाली और उनके प्रकार, संख्या क्या होती है, संख्या प्रणाली क्या होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं। वानरी संख्या तो सभी लोग जानते होंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है वानरी संख्या, बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम। उसके बाद में है डीएम, देखो डीवीएमएस जिसे कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, टिक लगा लेना बहुत ज्यादा। उसके बाद में इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य और इसके लाभ दोष के बारे में आपको याद कर लेना, इसके लाभ प्रॉफिट क्या है, इसके लॉस मतलब प्रॉफिट, लाभ हानि दोनों देखना है, ठीक है, दोनों देख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो डाटा संसाधन, डाटा संसाधन किसे कहते हैं, डाटा संसाधन वो हम इंग्लिश में डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं, तो डाटा प्रोसेसिंग की परिभाषा आप अच्छे तरीके से देख लेना, ये हम लोग आपको अपने चैनल पे करा देंगे, वीडियो बना के करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत शॉर्ट में बता देंगे इनको क्या होता है प्रोसेस। ठीक है, तो इनकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लो, एमजेपीआरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी वाले छात्र कभी फेल नहीं होगे, आप इन क्वेश्चनों को याद कर ले तो आपको फेल करने वाला कोई फायदा नहीं एमजेपी के अंदर, और बताओ समझ रहे हो, बरेली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई है नहीं आपको फेल कर सके, इन क्वेश्चनों को रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है पढ़ाई कर रहे हो उस पर टिक लगा लो, उससे पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नोट्स चाहो तो हमारे नोट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ कह रहा है एमएस वर्ड में डाटा जो एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है उनको बनाने के लिए हम किस प्रकार से एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बनाते हैं,
और उन्हें प्रिंट करने की विधि क्या है, आप उसको प्रिंट कैसे करेंगे। एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया आपने, उसको हमने बनाने के बाद में उसको पेंट करना है, तो पेंट करने की विधि क्या है और उसकी विशेषता और कार्य क्या है। एमएस वर्ड के क्या विशेषताएं हैं कि हम जो कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनकी विशेषताएं क्या है, उसी से क्यों बनाते हैं, किसी और से बना सकते हैं, पीपीटी वगैरह बना सकते हैं, एमएस वर्ड से क्यों बनाते हैं, उसकी विशेषता क्या है, कार्य क्या है, वो सबको देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसमें सारा कुछ लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, आंसर में, आपके नोट्स वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाएं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इनके प्रकार के बारे में देखा। देखो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, उनके प्रकार, उनके लाभ दोष वगैरह सब देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के देखो आगत और निर्गत उपकरण क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट उपकरण के बारे में देखा है भाई, वो आपको बोला गया है, वो देख लेता है। देखो इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होती है, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट इन दोनों को देखेंगे, अंतर पूछ लेता है आपसे, इनमें आपसे अंतर पूछेगा तो इनको अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, यहां बोला गया कंप्यूटर का विकास चरण क्या होता है, कंप्यूटर का विकास चरण के बारे में देखेंगे, ये भी मोस्ट है, इसको आप टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, देखो कंप्यूटर का मूलभूत सिद्धांत क्या होता है, कंप्यूटर का मूलभूत सिद्धांत को याद करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक लगाना, मूलभूत सिद्धांत सबसे ज्यादा पूछता है और वो भी शॉर्ट में पूछेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण क्या होता है, वायरस संक्रमण को याद करेंगे, वायरस संक्रमण होता क्या है। उसके बाद में देखो ये आता है, एक ग्रीक कोड उदाहरण बताना है इसका, ग्रीक कोड उदाहरण क्या होता है इसको देख लेना। आपसे पूछेगा डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा किसे कहते हैं और इंफॉर्मेशन में अंतर बताना है, डाटा और इंफॉर्मेशन में अंतर। ठीक है, डाटा और इंफॉर्मेशन में आपको अंतर बताना है। शब्द संसाधन क्या होता है, जिसे हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, उनके कार्य बताओ और उनके क्या है, मतलब कोई परिभाषा, शब्द संसाधन जैसे वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, उसका कार्य क्या होता है ये बताना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को याद करना है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको याद रख लेना। ये देखो LAN जिसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क के गुण दोष के बारे में देखेंगे, और WAN इसे कहते हैं विड एरिया नेटवर्क, इसके गुण दोष के बारे में देख लेना है। ये दो इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपके यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन 100% बनेगा, आप इन क्वेश्चन को याद कर लेना। ये थे MJP RU यूनिवर्सिटी बरेली वालों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपको और नहीं पढ़ना है एग्जाम में, कुछ और नहीं देख के जाना, यही क्वेश्चन रटना है, जो भी करना इन क्वेश्चनों को रट के जाना, बाकी कुछ और नहीं देखना है। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना। ठीक है, तो ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, बाकी जो भी दिक्कत आती है पेपर देने के बाद हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, देख लेंगे उसको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय 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 दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, हमारा दूसरा चैनल है बीकॉम बाय पेपर है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।